अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, व्हाट्सअप अनकट शो में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ शाहिद कुरैशी। नाजरीन, हालात ऐसे पेचीदा होते जा रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता। ख़ास तौर पर तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत ऐसा लगता है कि सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट कर रही है, चाहे वो किसी भी मामले में। जैसा कि कल बंदलागुड़ा इलाके में गरीब मुसलमानों के मकानात तोड़े गए, और आज ही का वाक़या रोड नंबर 12 बंजारा हिल्स कमान के सामने 40 साल से मौजूद दुकानदारों के दुकानें तोड़ने के लिए जीएचएमसी अहदेदार पहुंच गए। काफ़ी हंगामा हुआ। मसला ये हो गया कि जिसके दुकानें थे वो मुसलमान, और वहाँ पर आई मुतालिखा कारपोरेटर टीआरएस की विजय लक्ष्मी, जो कि एमपी केशव राव की दुख्तर भी हैं। अब उनके साथ उनके हामी, इधर से 10-20 मुसलमान जमा हो गए, उधर से कारपोरेटर और उनके हामी जमा हो गए। हंगामा हो गया, डेमोलिश करने नहीं दिया गया। इतने में वहाँ पर पहुँचे हमारे विजिल ब्लोवर, विजिल बजाते हुए शहबाज अहमद खां। बस अब क्या था, डेमोलिशन के लिए जीएचएमसी कारपोरेटर रेडी, इधर से रोकने के लिए शहबाज खां के हामी रेडी। बस कुछ देर तक माहौल ऐसा गर्मा गर्म रहा, काफ़ी टेंस पैदा होगा, क्योंकि एक तरफ पूरे मुसलमानों का झुंड, दूसरी तरफ कारपोरेटर के हामियों का। बातचीत होते होते यहाँ तक मारा मारी की नौबत तक आ गई, लेकिन बहरहाल बरवक्त बंजारा हिल पुलिस और जीएचएमसी के अहदेदारों ने समझदारी का काम लेते हुए डेमोलिशन के काम को रोककर वहाँ से चले गए, मसला थम गया। लेकिन यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं नाजरीन कि माहौल कैसा हो गया है ये बताना व्हाट्सएप अनकट का अहम मकसद हम समझ रहे हैं। मैं भैया पैदा हुआ, बड़ा हुआ, 40 साल से डब्बा है, दुकान है, किसी को डिस्टर्ब नहीं है, गली में है, करंट का बिल जमाने से बन रहा हूँ, दुकान नहीं भी चला तो करंट का बिल बनता हूँ बराबर। हाँ भाई, किराया बन, करंट का बिल बन रहा हूँ, सो भाई मेरे पास, मेरे गली में किसी को डिस्टर्ब नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरे को परेशान कर रहे हैं ये जो है, ये बाजू में स्टिक हाउस वाले साहब, मैडम को कंप्लेंट दे दिए तो उन्होंने जो है सो मेरे को आके निकालना, बल्कि बस्ती वालों के दो चार लोगों के सहना करके। मैं जमाने से पुराना हूँ, मैं पुराना, कोई आंध्रा छोड़ के नहीं आया, तेलंगाना का हूँ, मैं नहीं जी सकता, मैं अकेला जी रहा हूँ बस्तीपुरी वहाँ से, पीछे पिंची नाते से लेके पूरा रोड नंबर एमएलए कॉलोनी तक जी रहे रोडों पे बंडिया लगा के। मैं अंदर गली में किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, मेरे को कहीं को परेशान कर। लेकिन 40 साल से ये डब्बा रहने के बावजूद, इनके बाद इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, उसके बावजूद जुम्मे के नमाज के फौरी बाद इसको तोड़ने के लिए बल्दिया का हमला आया है। तो चंद्रशेखर राव साहब, कभी तो आप सेक्रेटरीट की मस्जिदों को रातों रात तोड़ देते हैं, और आज मासूम मुसलमान जो यहाँ पर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, जिसके बच्चे खाने के लिए परेशान है, उनको यहाँ की टीआरएस की कारपोरेटर की पशपनाही में उनका डब्बा तोड़ा जा रहा है। मैं चीफ मिनिस्टर